हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका भी बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है तो आप भी इस तरीके से पता लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका बिजली का बिल सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ये एकदम एग्जैक्ट तरीका है, एकदम सही तरीका है कि कितना बिजली का बिल आना चाहिए, आपको अनुमान लग सकता है इससे। तो मैंने यहाँ पर कुछ टेबल्स में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे बल्ब हो गया, फ़ैन हो गया, मिक्सी हो गई, हीटर हो गया, टुल्लू पंप हो गया और कूलर हो गया। मैंने इतनी चीज़ें लिखी हैं। अगर आपके घर में और कुछ भी सामान है तो आप उसको भी बढ़ा सकते हैं और इसी तरीके से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सामान मैंने लिखा है, ठीक है। तो देखिए, जैसे बल्ब हो गया, एलईडी बल्ब हो गया, तो एलईडी बल्ब मैंने कितने वाट का लिखा है, पावर पर इक्विपमेंट। इसका मतलब हो गया जो हमारा बल्ब है वो कितने वाट का है, पावर पर इक्विपमेंट कितने वाट का है, ठीक है। तो हमारा ये एलईडी बल्ब है ये कितने वाट का है, 9 वाट का है। हमारा पंखा है ये कितने वाट का है, 60 वाट का है। हमारा मिक्सी है, मिक्सी कितने वाट का है, 200 वाट का है। हीटर है, हीटर कितने वाट का, 1000 वाट का है। टुल्लू पंप ये कितने वाट का है, 746 वाट का है। कूलर है कितने वाट का है, 350 वाट का है, ठीक है, समझ गए ना। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई ये इतना सारा झंझट कैसे करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन सा कितने वाट का है। तो देखिए, आजकल जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है, उनके बॉक्स पर या पंखों पर कहीं ना कहीं ज़रूर आपको लिखा मिल जाएगा कि ये सामान आपका कितने वाट का है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने घर के बड़ों से पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि ये कितने वाट का है, तो आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया, ठीक है, एलईडी 9 वाट का है। अब आते हैं क्वांटिटी पर, ठीक है। मान लीजिए मेरे घर में एलईडी बल्ब कितना लगा हुआ है, 7 लगा हुआ है, ठीक है। मेरे घर में 7 एलईडी बल्ब लगा हुआ है और पंखा, तो 60 वाट का पंखा है और 4 पंखे मेरे घर में लगे हैं, कितने, 4 पंखे। मिक्सी पर आते हैं, एक मिक्सी है। हीटर पर आते हैं, एक हीटर है, ठीक है। टुल्लू पंप पर आते हैं तो 746 वाट का एक टुल्लू पंप लगा है। कूलर पर आते हैं तो 350 वाट का एक कूलर लगा है। देखिए, ऐसे मैं भी अपने घर का निकालता हूँ और बहुत ही आसानी से निकाल लेता हूँ। मुझे एक अनुमान लग जाता है कि जो बिजली का बिल आया है सही आया है या गलत आया है। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो कूलर, एक कूलर है 350 वाट का, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, हम और डिटेल से समझा देंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है टोटल पावर अगेंस्ट इक्विपमेंट, टोटल पावर अगेंस्ट इक्विपमेंट इन वाट, किस में, वाट में, समझ गए ना। तो जो हमारा बल्ब है एलईडी बल्ब कितने वाट का है, 9 वाट का, और कितना बल्ब है, 7 बल्ब है। तो 9 को 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 63, कितना आ जाएगा, 63, ठीक है। अगला है फैन, तो फैन हमारा कितने वाट का है, 60 वाट का। कितना फैन है, 4 फैन है। तो अगर हम लोग 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 240 वाट, कितना, 240 वाट। ऐसे ही मिक्सी, तो मिक्सी 200 वाट की एक मिक्सी है, तो 200 को 1 से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 200 आएगा। ऐसे हीटर 1000 × 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 वाट, ठीक है। टुल्लू पंप 746 वाट × 1 मल्टीप्लाई बाय 746 वाट। तो कूलर तो 350 × 1 तो मल्टीप्लाई 350 वाट, समझ गए, इतना समझ में आ गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑपरेटिंग टाइम इन हॉर, मतलब कितना घंटा चला, कितना घंटे आप चलाते हैं। तो एलईडी फैन है, सॉरी एलईडी बल्ब है, तो एलईडी बल्ब मान लीजिए 8 घंटे जलाया है आप, ठीक है, 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को एलईडी बल्ब आपने जलाया। चलिए, पंखा है, पंखा 12 घंटे आपने चलाया, क्योंकि भाई गर्मी बहुत है, ठीक है, 12 घंटे चलाया। एक अनुमान मान लीजिए कि इतना घंटे लगभग चलता होगा, तो निकल जाएगा, 12 घंटे आपका पंखा चला,
उसके बाद एक घंटे आपने मिक्सी चलाया, आधे घंटे सुबह चला लिया, आधे घंटे शाम को चला लिया, क्या करना है। फिर तीन घंटे आपने हीटर चलाया, ठीक है, दो घंटे आपने टुल्लू पंप चलाया, जो काम करना है वो किया, दस घंटे आपने कूलर चलाया, कूलर कितना 10 घंटे रात में चलाया, ठीक है, इतना हो गया। अब ये तो हमारा सब निकल गया, अब आगे आते हैं नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट। तो यूनिट बराबर होता है वाट गुणे घंटा बटे 1000, वाट गुणे घंटा बटे 1000, वाट इंटू हॉर अपॉन 1000। तो हमारा वाट कितना वाट चला था, टोटल कितना वाट चला था, ये देखिए लिखा हमने निकाला है ना 63 वाट, तो 63 और इंटू हॉर मतलब घंटा, कितने घंटे चला 8 घंटे, यहाँ पर 8 हो गया, इंटू 1000, ठीक है। तो इसको अगर 63 को 8 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा उसको 1000 से भाग दे दीजिए, तो आपका निकल के आएगा 0.504, कितना यूनिट, 0.504 यूनिट। अब ये तो हमारा निकल गया एलईडी बल्ब का, हमने 8 घंटे में 0.504 यूनिट एलईडी बल्ब यूज किया, ये बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप फैन पर आ जाएंगे तो 240 वाट, कितना 240 वाट, ये हम लोग एक दिन की बात कर रहे हैं, एक दिन का, ठीक है, 240 वाट एक दिन में हमने यूज किया, तो 240 इंटू कितने देर 12 घंटे, 240 वाट, सॉरी वाट कह रहा हूँ मैं, यूनिट, ठीक है, 240 यूनिट, सॉरी हाँ सही कह रहा था मैं, 240 वाट इंटू 12 घंटे बटे 1000 बराबर हो जाएगा 2.88 यूनिट, कितने यूनिट, 2.88 यूनिट। अब आपने पंखा 2.88 यूनिट यूज किया, अब चलिए ऐसे मिक्सी पर आ जाते हैं, तो 200 इंटू 1, कितना घंटे 1 घंटे, तो 200 वाट इंटू 1 घंटे, ठीक है, 200 वाट इंटू 1 घंटे बटे 1000 बराबर हो जाएगा 0.20 यूनिट। ऐसे हम लोग हीटर का निकालेंगे, 1000 इंटू 3 घंटे, 1000 इंटू 3 घंटे बटे 1000 बराबर 3 यूनिट। ऐसे हम लोग टुल्लू पंप का निकाल लेंगे, 746 इंटू 2 घंटे बटे 1000 बराबर 1.492 यूनिट। ऐसे हम लोग कूलर का निकालेंगे, 350 इंटू 10 बटे 1000 बराबर हो जाएगा 3.50 यूनिट। अब इतना तो आपने निकाल लिया कि एक दिन में आपने कितना यूनिट कौन सा सामान को यूज किया, ठीक है, कौन सा सामान को कितने मतलब कितना यूनिट यूज किया, ठीक है, एक दिन का ये आपका निकल गया ब्यौरा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रति दिवस व्यय यूनिटों की संख्या, प्रति दिवस व्यय यूनिटों की संख्या, कितना यूनिट आप लोग रोज़ डेली यूज़ करते हैं, तो 11.576 यूनिट प्रतिदिन, 11.576 यूनिट एक दिन का आपका यूज़ है। चलिए तो ऐसे ही हम लोग अगर 30 दिन का निकालेंगे, तो 30 दिन में व्यय यूनिटों की संख्या, तो 11.576 यूनिट प्रतिदिन मल्टीप्लाई 30 दिन, तो निकल जाएगा 347.28 यूनिट, कितना 347.28 यूनिट एक महीने का आपका निकल गया। तो एक महीने में आपने कितना यूज किया, 347.28 यूनिट। अगर आपको निकालना है कि कितना रुपया हो गया, इसका कितना रुपया हमारा आना चाहिए बिजली का बिल, तो देखिए विद्युत का औसत मूल्य दर मैंने 7.50 रुपया माना है प्रति यूनिट का, एक यूनिट का 7.50 रुपया। अब देखिए अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों पर अलग अलग कीमतें होती हैं, कहीं 7.5 रुपया, कहीं 7 रुपया, कहीं 10 रुपया, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। तो मैंने 7.50 रुपया माना है, आप अपने उधर का पता कर सकते हैं कि कितना रुपया प्रति यूनिट का है, आपके यहाँ अगर मीटर लगा है तो आपको ज़रूर पता होगा। तो 7.50 रुपया मैंने मान लिया, ठीक है, तो 30 दिन में व्यय विद्युत का कुल मूल्य कितना रुपया आना चाहिए आपको, तो 347.28 यूनिट गुणे 7.50 रुपया। अब अगर आप इसको 7.50 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा आपको 2604
60.60 मतलब 2604 रुपया और 60 पैसा, 2604 रुपया और 60 पैसा आपका एक महीने का बिजली का बिल आना चाहिए। ये आपका एक अनुमान हो गया कि लगभग 2600 रुपया मेरा बिजली का बिल आना चाहिए। तो ऐसे ही आप भी पता कर सकते हैं कि एक महीने का आपका कितना बिजली का बिल आना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।